वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो का मोटिव बताते हैं कि आज के वीडियो में मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स, जो कि ओढ़ने की टिप्स हैं। जब भी अपन राजपूती ओढ़ना वियर करते हैं तो किस टाइप से वियर करें, किस टाइप से सर पे पल्लू रखें। जैसे कि ये पल्लू है वो खिसक रहा है, तो कैसे यहाँ पे पिनअप करें जो कि दिखे ना। ये साइड में जो लगाया हुआ है छेड़ा, उसको कैसे ठीक से रखें, पिनअप करें या पिनअप ना करें, राजपूती स्टाइल में कैसे ओढ़ने को ओढ़ा जाता है, वो सब मैं बताने वाली हूँ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही राजपूती ओढ़ने को पिनअप नहीं किया जाता यहाँ से, ओके, फ्री ही रहता है ये वाला जो छेड़ा होता है वो हमेशा फ्री रहता है। जो भी लेडीज यहाँ पे पिनअप करते हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं रहता, ठीक है सर। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें डांस के लिए रेडी होना है और पिनअप करना है, तो उसमें आप पिनअप कर सकते हैं। वो भी इस तरीके से पिनअप करें कि पिनअप दिखे ना आपका। और कभी आप पगा लगने जाएं वहाँ पर, ऐसी गलती कभी ना करें कि राजपूती ओढ़ने को आप पिनअप करके पगा लगने जा रहे हैं, तो ऐसी गलती कभी ना करें सर, ठीक है सर। तो देखते हैं राजपूती ओढ़ने को कैसे वियर करें, ओके सर। चलिए वीडियो। जो पोशाक का ओढ़ना होता है वो डेढ़ पार्ट का ओढ़ना होता है इस टाइप से। उसके एक साइड में आधे पर किरण लगी हुई होती है और दूसरी साइड में पूरे जो वो होती है लाइनिंग, उस पर किरण लगी हुई होती है। जी सर, दो साइड किरण लगी हुई होती है और दो साइड गोटा, ठीक है सर। तो अब इसको लेना है, छेड़े पे ऐसे घुमा के ओढ़ लेंगे, सर से ओढ़ते हुए पल्लू पर ओढ़ लेंगे, फिर इसको अंदर टक कर लेंगे, सिंपली टक कर लेंगे और ये साइड वाला पल्ला फ्री छोड़ देंगे। इस पे पिनअप नहीं करना है सर, ठीक है सर। ध्यान रखिएगा जो ये किरण आ रही है पूरे साइड, उसी को पल्ले पर लेना है। पल्ले पे लेने के बाद आप आती है प्लेट्स की बारी, तो प्लेट्स डालेंगे अंदर की साइड, जो बची हुई ओढ़नी है उसको अंदर की साइड ले लेंगे, फिर प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स हमेशा ओढ़ने की लेंथ के अकॉर्डिंग ही डालनी है, जितना बड़ा ओढ़ना होता है उतनी ज्यादा प्लेट्स आती हैं। ढाई मीटर का ही ओढ़ना होता है। अब प्लेट्स डालेंगे तो प्लेट्स डालते हैं, बड़ी बड़ी प्लेट्स डालते हैं तो उससे अच्छा लुक आता है। और प्लेट्स डालते टाइम ये ध्यान रखें कि जो हैवी वर्क है वो बाहर की साइड दिखना चाहिए, अंदर से बाहर की साइड दिखना चाहिए, ठीक है सर। इस टाइप से आ गई है प्लेट्स, और ये बाहर जो बचा हुआ पार्ट है साइड में उसको भी इन कर लेंगे। इन करने के बाद में ये देखिए, प्लेट्स का एक और वीडियो क्लिप आपके लिए है। अगर आपको उस वीडियो में समझ नहीं आया हो तो ये क्लिप है, देखिए कितनी प्यारी प्लेट डली है। जितनी अच्छी प्लेट होती है उतना अच्छा लुक आता है। और ये जो छेड़ा है उस पर ध्यान रखें कि ये छेड़ा लगाते साइन जो ऊपर का पल्लू है वो कुर्ती से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। मैंने जो पल्लू ले रखा है वो एकदम बराबर है, इतना ही पल्लू लेना चाहिए पोशाक पे। ज्यादा बड़ा पल्लू होता है वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वर्क भी दिखना चाहिए कुर्ती का थोड़ा सा, ठीक है सर। ये वाला पार्ट भी इन कर लिया है, ये इस टाइप से ओढ़ना हो गया। इस टाइप से जो भी कमारे वैसा है वो ओढ़ने को इस टाइप से रख सकते हैं। अभी मैंने कहीं से भी पिनअप नहीं किया है, अभी देखिए। जो भी बिन्नी सा है वो सर पे ओढ़ के पल्लू को सर पे ओढ़ लें और फिर साइड में से पिनअप कर लें यहाँ से। कौन सी पिन यूज करनी है वो देख लें कि जो पोशाक पिन होती है अपने, देखिए इस टाइप की पोशाक पिन होती है, मार्केट में इजीली मिल जाएंगी आपको ये वाली पिन्स। तो ये राजपूती पोशाक वाली पिन होती है, इसको ले लें, दो तीन पिन ऐसी हमेशा पर्स में रखें, फिर इसको लगा के। और ये था अपना वीडियो में राजपूती ओढ़ना को कैसे वियर करें, कैसे ओढ़ें, ये था अपना पूरा लुक। देखिए सर, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सा, हम गणी सा।